हेलो एवरीवन, इससे पहली वीडियो में आपने जो देखा उसमें दूसरा बांध लगाया गया था, और अब ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं इस वीडियो में, ये तीसरा बांध है। तो तीसरा बांध यानी एक एक दिन में दो दो बांध लगाए गए हैं एक एक बार में। और इस वीडियो में जो बांध लगा हुआ है, इस बांध में क्या करते हैं कि हल्दी लगाने के बाद सर पर लाल कपड़ा रखते हैं। उस लाल कपड़े रखने के बाद फिर आरती उतारी जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि रीटा दीदी यहाँ पर दिया लेकर आई हैं। अब दिया लाने के बाद अब मम्मी क्या करेंगी, मम्मी ने जैसे देखिए दीपक के सर पे लाल कपड़े को पकड़ा हुआ है, अब यहाँ पर आरती उतारी जाएगी। ये देखिए मम्मी यहाँ पर आरती उतारेंगी, फिर आरती उतारने के बाद दीपक फिर दिए को पकड़ेगा, और दिए को पकड़ने के बाद मंदिर में जाएंगे, और मंदिर में बैठ कर फिर पूजा करते हैं, और फिर ये जो बान और हल्दी लगाने की जो रस्म है इस तरीके से पूरी हो जाती है। तो ये यहाँ पर आज का इस दिन का दूसरा बान था। इससे पहले एक बान लग चुका है, जैसा कि उस वीडियो में आपने देखा था। इससे जो पहली वीडियो है, मैं आप लोगों को आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो पर जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप वो भी पूरा देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे मम्मी यहाँ पर आरती उतार रही है, ऐसे ये देखिए। और फिर अब यहाँ से ले जाएंगे मंदिर में, क्योंकि मंदिर जैसा आप लोगों को मैंने बताया ही था कि मंदिर हमने घर में ही बनाया हुआ है, तो उसी मंदिर में जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मंदिर की तरफ बढ़ते हुए मंदिर में जा रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए मंदिर में बैठ गए हैं। मंदिर में बैठने के बाद अभी यहाँ पर पूजा करके, और फिर दीपक अपने कपड़े बदल लेगा। अभी यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये हाथ जोड़ लिए गए हैं, और फिर इसके बाद अब दीपक यहाँ से बाहर निकलते हुए ये लाल कपड़ा सर पे से उतार दिया है। और इस दिन यहाँ पर बच्चों ने शाम को बहुत सारा डांस भी किया, वो डांस की वीडियो मैं भी आप लोगों को अटैच करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो देखिए, देखते हैं किस किस ने कौन कौन से गाने पर डांस किया है। यहाँ पर बच्चों के डांस के अलावा हमारी दादी भी सबको डांस करते हुए देखकर एक्साइटेड हो गई थी, और यहाँ पर उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया। हमारी दादी भी सभी बच्चों के साथ साथ में डांस करना शुरू कर दी थी। अब जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बच्चे डांस कर रहे हैं, और हमारी बुआ जी भी बच्चों को देख कर डांस करना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो दादी हैं उन्होंने भी सबको देखकर देखिए वो एक्साइटमेंट में
उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया, तो फिर सभी बच्चे रुक गए उनको देख कर कि अब दादी डांस कर रही हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि इन्होंने हमारी शादी में भी ऐसे ही डांस किया था, और जैसा आप देख सकते हैं हमारी दादी किस तरीके से अपने ही गाने पर डांस करती हैं, वो खुद से ही गाना गाती हैं और फिर उसके ऊपर डांस करते हैं। एक्चुअल में उनकी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे ही हल्का फुल्का सा डांस भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं वो डांस कर रही है। फोटो खींच रहे हैं क्या? फोटो खींचो, फोटो पर आप देख सकते हैं कि परी किस तरीके से डर कर दूर भाग रही है, जैसे कि इसको कोई सचमुच में ही मार रहा है। आप देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर डर कर दूर भाग रही है। तो इस तरीके से सभी ने डांस में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि परी, हिमानी, रितु, ये सब लोग डांस कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे और ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।